नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आपको तो पता ही कि हमने जो एक्सेल की सीरीज शुरू कर रखी है, तो इसलिए हमारी कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कैसे यूज किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ, और चार्ट कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बना के रखी है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, अगर जैसे हम टेबल बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे करके इसको टेबल बना देते हैं। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा एडवांस यानी कि थोड़ा सा अच्छी टेबल बनानी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं इन सबका फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास में जो है एक फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले जो आपको जहाँ जहाँ पे जो आपको टेबल लगानी है उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको जो भी टेबल चाहिए, जैसे सपोज कीजिए अभी मुझे ये वाली टेबल चाहिए, तो यहाँ पर जो है एक मैसेज लिखे आएगा, वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। तो और यहाँ पे एक नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखे आएगा, माय टेबल एज हेडर्स, और यहाँ पे आगे टिक है। इसका मतलब है कि अगर टिक लगाते हैं तो जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री, ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख किया जाएगा कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव। अब जैसे अभी यहाँ पे टिक हटा देते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कॉलम बन करके आ गए। और अगर आपको जो है यहाँ पे बिना कॉलम के लिख के आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल पे जाइए, जो भी टेबल आपको चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो है टिक लगा करके ओके कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री ही आएगा, जो कि हमने हेडर्स डाल रखे हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर जैसे आपको यहाँ पे जैसे आपने टेबल तो बना ली, अब आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे थोड़े से नंबर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, हमें जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम जो है सिर्फ हाईलाइट सेल रूल्स जो है सेल रूल्स डाले थे, उससे आगे जो है हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो इसके अंदर जैसे अभी सबसे ऊपर है टॉप 10, फिर है टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबोव एवरेज और बिलो एवरेज। तो इसके अंदर जैसे हमें यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स में जाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो है ब्लैक से रेड हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है टॉप 1, सबसे बड़ी वैल्यू टॉप 1 कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 94 हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टॉप 3 डाल दूंगा, तो यहाँ पे जो टॉप 3 होंगे वो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे 1 डाल के मैं ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बाकी सब जो है ब्लैक के अंदर है, लेकिन 94 जो है वो रेड के अंदर आ गया है। अब यहाँ से मैं वापस एक बार हटा देता हूँ फॉर्मेटिंग, और अब आप जो है वापस इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट है डेटा बार्स, यानी कि डेटा बार्स का अंदर जो है आपको जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंक वाले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है 73 मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर है उतना ज्यादा जो है ये एरिया हाईलाइट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ सबसे बड़ा है 94, तो सबसे ज्यादा जो है 94 पर पिंक हो रहा है, और सबसे कम जो है 49 है, तो यहाँ पे जो है 49 में बहुत ज्यादा कम हो रहा है। वहीं अगर किसी की वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे अभी यहाँ पे 84 लिखा है, 84 की वैल्यू अगर मैं कर दूं सपोज 200, और 200 करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 200 के मुताबिक जो है ये सारे के सारे छोटे होते चले गए। और यहाँ पे अगर मैं वापस से 84 लिख देता हूँ, तो 84 लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस से जो है 94 के हिसाब से ये आ गए हैं। अब इन सबको भी मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, और हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा कुछ हट गया। और अब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नेक्स्ट है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स के अंदर जैसे अभी हमने यहाँ पे डेटा बार्स का किया था कि जो सबसे ज्यादा है उस पे सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर कलर स्केल्स के अंदर करें तो आप देख सकते हैं कि कलर स्केल्स के अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके अंदर जैसे यहाँ पे है ग्रीन, येलो और रेड स्केल। तो इसके अंदर आपको क्या है, मतलब कि जैसे अभी अगर ग्रीन लेंगे तो सबसे ज्यादा जो डार्क है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, और फिर जो कम होता जा रहा है वो उतना ज्यादा वो कलर जो है वो लाइट होता जा रहा है, ये होता है कलर स्केल्स के अंदर। अब नेक्स्ट है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स के अंदर जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे अपने ऑप्शन मिल जाते हैं,
इसके अंदर आपको पाई चार्ट जैसा भी मिल जाता है, इसके अंदर आपको रेंज या जैसे फोन के अंदर जो रेंज आती है वैसे भी मिल जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मेरे को ये सेलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे रेंज आती है फोन के अंदर वैसे यहाँ पे जो है इसका ग्राफ आ गया। और अब हमें क्या करना है कि जैसे अभी यहाँ पे जो है नंबर भी साथ में ही दिख रहा है और वो भी दिख रहा है, अगर हमको नंबर हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे जहाँ पे यहाँ नंबर सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ नंबर के अंदर जो हमको कस्टम के अंदर जाना है, और कस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जर्नल को हटा करके आपको सेमी कॉलन लगाना है, और सेमी कॉलन लगाने के बाद ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है नंबर हट गए हैं और सिर्फ यहाँ पे जो है ग्राफ आ रहा है। अब अगर हम जैसे अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये तो हो गई हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आती है कि हमें अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाया जाए, तो हम क्या करेंगे जैसे हमें इतने से का ग्राफ बनाना है इतनी सी टेबल का, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम और लाइन ये बहुत सारे आपको जो है अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाते हैं। जैसे अभी मेरे को कॉलम के अंदर मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ऐसे लिखे थे, और यहाँ पे भी आ गए, और ए बी सी यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे ए बी सी जो है नीचे आ गया। ए बी सी ए को जो है बी सब्जेक्ट 1 के अंदर कितना मिला है, सब्जेक्ट 2 के अंदर कितना मिला है, और सब्जेक्ट 3 के अंदर यहाँ पे जो है ऐसे ग्राफ बना के दिखा रहा है। और नेक्स्ट है लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट ये रहा, और लाइन चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको मिल जाते हैं लाइन चार्ट बना हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे इंसर्ट के अंदर जो बहुत सारे चार्ट्स है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस यही थी हमारी आज की ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडवांस लेवल पे कैसे किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।